लोगों के दिलों में बैठी आज्ञा, ईश्वर की छवि में है शब्दों से उजागर, दूर ना की जा सके, निकाली ना जा सके। ऐसा करने से भी इंसान के दिल में गहरी जमी, इन चीजों को निकालना होगा बेहद मुश्किल। वास्तविक ईश्वर और उसकी छवि ले सके जगह इन अज्ञात चीजों की, ताकि लोग जाने उन्हें। इसी तरह होता लक्ष्य पूरा, समझे इंसान है अज्ञात और अमूर्त वो ईश्वर, जिसे खोजा उसने पहले। पवित्र आत्मा का सीधा मार्गदर्शन ना हासिल करे ये प्रभाव, ये हासिल ना हो इंसानी तालीम से। हासिल होता ये देहधारी ईश्वर से, इंसान ईश्वर को अच्छे से जाने और देखे, तभी जब ईश्वर अगर इंसानों के बीच काम करे, अपना स्वरूप और छवि प्रकट करे, दैहिक इंसान ना पा सके ये प्रभाव, ईश्वर का आत्मा भी ना हासिल कर पाए प्रभाव। इंसान की धारणाएं प्रकट हो जाती जब देहधारी ईश्वर काम करे, उसकी सामान्यता और वास्तविकता अज्ञात ईश्वर के विपरीत है। देहधारी ईश्वर से तुलना बिना नजर नहीं आती इंसानी धारणाएं, असली चीजों की विषमता बिना प्रकट नहीं होती अज्ञात चीजें। अपना काम ईश्वर ही कर सके, उसकी तरफ से कोई और न कर सके। इंसान ईश्वर को अच्छे से जाने और देखे, तभी जब ईश्वर अगर इंसानों के बीच काम करे, अपना स्वरूप और छवि प्रकट करे, दैहिक इंसान ना पा सके ये प्रभाव, ईश्वर का आत्मा भी ना हासिल कर पाए प्रभाव। ऐसा काम करने के लिए, उस काम को स्पष्ट करने के लिए, कोई शब्दों का प्रयोग ना कर पाए। इंसान के शब्द कितने भी अच्छे हो, पर वो ईश्वर की वास्तविकता सामान्यता स्पष्ट ना कर सके। इंसान ईश्वर को अच्छे से जाने और देखे, तभी जब ईश्वर अगर इंसानों के बीच काम करे, अपना स्वरूप और छवि प्रकट करे, दैहिक इंसान ना पा सके ये प्रभाव, ईश्वर का आत्मा भी ना हासिल कर पाए प्रभाव।